पासपोर्ट में सिर्फ एंट्री स्टैम्प के लिए उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया, बोला 10 दिन के बाद आना। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे मेरे को देख के। मर्सी बुकू, थैंक यू, मर्सी बुकू। तो भाई इनकी ये बाइक अपाचे, टीवीएस अपाचे। अरे भाई ये तो उल्टे चला रहे हैं रोड के। हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। और मैं अभी अपने 7th कंट्री गिनी के कैपिटल कोनाक्री में हूँ। आप लोगों को बहुत सारी बातें बतानी, बहुत कुछ शेयर करना है। आप लोगों ने देखा कि मैं इतने टाइम की जर्नी के बाद रात में 12 बजे मैं कोनाक्री पहुँचा था, रात में 12 बजे। अभी मैं अपने होस्ट घर के पास में हूँ और मैं यहाँ पे मोटो टैक्सी लेके गुरुद्वारा जा रहा हूँ। गिनी में गुरुद्वारा भी है और देखो यहाँ पे यार ये वॉल पे ग्रेफिटी और स्ट्रीट आर्ट वगैरह बना हुआ है काफ़ी। ये मेन रोड यार बहुत ज़्यादा शोर शराब है, बहुत ज़्यादा। मोटो दुखता हूँ, मोटो टैक्सी मोटो मोटो क्लिनिक पास्चर, क्लिनिक पास्चर, हाँ, इंडियन मास्क, इंडियन मास्क, हाँ, पास्चर, ओके। तो भाई यहाँ से गुरुद्वारा अराउंड 12 किलोमीटर पे है। भाई बहुत खराब रास्ता है भाई, बहुत रिस्की है ऐसे रास्ते पे चलना। ओ भाई बहुत स्लिपरी रास्ता भाई, बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही गाड़ी भी, हल्का टाइम आया हुआ गाड़ी फिसल भी जाएगी। सो गाइज, मैं कोनाक्री के गुरुद्वारा साहिब पहुंच चुका हूं। 12 किलोमीटर का इन्होंने मेरे से 15,000 गिनियन फ्रैंक लिया। ये इब्राहिम है, इब्राहिमा, इब्राहिमा। और मैं यहाँ पे कुछ दिनों से हूँ गिनी में, मैंने कुछ व्लॉगिंग वगैरह नहीं किया हूँ क्योंकि यार काफ़ी प्रॉब्लम हुई मेरे को यहाँ पर आने में। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो बॉर्डर पे स्टैम्प वगैरह मेरा पासपोर्ट पे किया नहीं गया, मेरे को बोला कि आप कोनाक्री जाके कराइएगा। जब मैं कोनाक्री की इमिग्रेशन ऑफिस गया, दे टोल्ड मी टू कम बैक आफ्टर 10 डेज। मतलब कि एक पासपोर्ट में सिर्फ एंट्री स्टैम्प के लिए उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया, बोला 10 दिन के बाद आना। मैं उन पर काफ़ी अग्रेसिव होकर चिल्लाने लगा, भाई स्टैम्प के लिए आपकी कंट्री में लीगली एंटर हुआ हूँ, मेरे पास ई वीज़ा है, स्टैम्प के लिए 10 दिन क्यों?
तो उन्होंने इनसे कुछ बात बात किया, उनको शायद कुछ पैसे वगैरह चाहिए थी। बोले आप जाओ, मैं आपको फ़ोन करूँगा, एक दो दिन के अंदर पासपोर्ट दे दूँगा स्टैम्प करके। मैं चलो कोई बात नहीं, शाम तक शायद फ़ोन आया, कोई फ़ोन नहीं आया। मैं अगले दिन फिर उनके पास गया और अपना पासपोर्ट मांगा, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे मेरे को देख के। तो वह फिर उन पर काफ़ी चिल्लाने लगा यार, काफ़ी बहस करने लगा मैंने उनसे कि स्टैम्प के लिए क्यों वेट करा रहे, इतना परेशान क्यों कर रहे हो। मैं बोला कि मैं इंडियन एम्बेसी जा रहा हूँ। तो मैं जैसे इंडियन एम्बेसी के लिए निकला, ये रुके हुए थे, मैं थोड़ी देर आई थिंक 5-10 मिनट के बाद उनका मेरे पास कॉल आ गया कि आपका पासपोर्ट रेडी है, आप ले लो। तो अगले दिन मेरे को स्टैम्प मिल गया था यहाँ पे फिर गिनी का। और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया यार, यहाँ पे पीपल आर नॉट वेरी कैमरा फ्रेंडली, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, यहाँ पे कैमरा के साथ घूमने। तो मैं घूमा लेकिन कैमरा वगैरह व्लॉगिंग मैंने नहीं किया यहाँ पे। और यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब भी है, तो मैं यहाँ पे गुरुद्वारे गया था। और जो यहाँ पे गुरुद्वारा है उसके अंदर गुरुद्वारा प्लस टेम्पल दोनों कम्बाइंड है। उसके बाद यहाँ पर लंगर सेवा भी थी, तो मैंने लंगर भी खाया गुरुद्वारे में। गिनी में इतनी ज़्यादा बड़ी इंडियन कम्युनिटी है, मेरे को बताया गया लगभग 8-10 हज़ार इंडियंस गिनी में रहते हैं। और सबसे खास बात ये है मेरे को लगी, गिनी में 90% से भी ज्यादा टू व्हीलर TVS कंपनी की है। Yes, इनके, even me, I have Apache. इसके पास भी TVS अपाचे है। आई थिंक शायद इंडिया में अपाचे 1.5 लाख के आसपास पड़ती है प्रेजेंट टाइम पे, इनको यहाँ पे पड़ी है अराउंड 2 लाख रुपए के आसपास, क्योंकि इंडिया से यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं फिर यहाँ पे असेंबल करते हैं। बनी बनाई इंडिया से नहीं आती है, बॉक्स में आती है। मैं TVS के यहाँ पर जो असेंबलिंग का जिनका प्लांट है, मैं भी वहाँ विजिट किया था। यहाँ पर बॉक्स में ला के यहाँ पे असेंबल करते हैं फिर यहाँ पे बेचते हैं। We went together to the embassy, right? Embassy, yeah. Yeah, I meet the ambassador. She's so kind. मैं इंडियन एम्बेसी भी किया था, इनको एम्बेसडर से मिलवाया। Yeah, so I hope to go to India. I hope I have that dream now to go and visit India. And I hope you visit India very soon. Yeah, soon. Because of you, anytime I meet Indians, so it will be like, you know, like friendship, brothership, you know. Friendship, brothership. You see, it's very nice. We are all one. We have same blood. We all have blood. We are one, bro. Just the color change, you know. So if we meet, we have to be together. गिनी बिसाऊ और गिनी कुनाकरी में यार काफ़ी डिफरेंस है। गिनी कुनाकरी की पॉपुलेशन गिनी बिसाऊ से 8 times ज़्यादा है, काफ़ी बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। गिनी कंट्री की पॉपुलेशन 14 million है, यानी कि 1,40,00,000 लोग के आसपास इस कंट्री में रहते हैं। गिनी को ऐसा बोला जाता है कि अफ्रीका की वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल कंट्री है इन टर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेजेंट टाइम पे देयर इज नो गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। राइट नाउ वी आर इन ट्रांजिशन, इट्स अ मिलिट्री गवर्नमेंट राइट नाउ, गवर्नमेंट। सो एवरीथिंग दे आर ट्राइंग टू कीप एवरीवन स्टॉप लाइक शूट अप आवर माउथ। They don't want people to speak. If you speak, you say something, they arrest you. They don't want anything to speak. Yeah, exactly. But that's why they are arresting people. So, मैंने गिनी में यार कुछ भी vlogging नहीं करी, I'm really sorry. मेरे को बहुत कुछ difference नया लगा भी नहीं previous countries से, और camera problem भी है। और अब मैं अपनी ट्रिप की 8वीं कंट्री जा रहा हूँ, सियरा लियोन। मैं कंट्री को पहले सियरा लियोन ही बोलता था, बट पता चला सियरा लियोन बोलते हैं। मैंने कुनाकरी में इसका वीज़ा ले लिया हूँ, मैं सियरा लियोन के एम्बेसी गया। उन्होंने यार 1 मिनट के अंदर मेरे से पैसे लिए $80, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली, कोई फॉर्म नहीं भरवाया, कुछ नहीं किया, ना पासपोर्ट की कॉपी ना फोटो, और तुरंत ऑन द स्पॉट मेरे को पासपोर्ट पे स्टैम्प दे दिया, यानी कि वीज़ा का स्टैम्प दे दिया। कुछ स्टिकर वीज़ा नहीं है, बस नॉर्मल सा स्टैम्प है $80 में। मेरे को 2 महीने का सियरा लियोन वीज़ा मिल गया है 1 मिनट के अंदर। तो आज मैं सियरा लियोन जा रहा हूँ। सियरा लियोन की कैपिटल है फ्री टाउन। कुनाकरी से फ्री टाउन का डिस्टेंस 250 किलोमीटर है, लगभग 120 किलोमीटर पर बॉर्डर है इन दोनों कंट्री का, उसके बाद 130 किलोमीटर बचेगा। तो निकलते हैं फिर अगले कंट्री के लिए यार, सियरा लियोन। तो ये भाई इब्राहिम के नेबर्स हैं, उनको बाय बाय बोलने चलते हैं फिर। सब अंदर लग रहे हैं, बुला लूँ अभी। Yes. Yeah, we going now. May God bless you and protect you. Thank you so much. Thank you. Merci beaucoup. और neighbors है भाई यहाँ पे, देखो। Okay, we go. Bye. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Yeah. Thank you. Merci beaucoup. Kaju tu. Okay, bye.
तो भाई इनकी ये बाइक अपाचे, टीवीएस अपाचे, इसके ये प्राउड ओनर है। मैं मौको रहा हूँ हाँ तो इत देखो भाई यहाँ से नीचे लेकर जाएंगे बाइक को। ओके ओके बाय बाय गुड लक थैंक यू बाय बाय मर्सी बुकू मर्सी बुकू बाय बाय। देखो भाई इनकी उतार लें फिर इनके बाइक पे बैठता हूँ मैं। यहाँ चढ़ाना उतारना भी काफ़ी डिफिकल्ट है यार जहाँ पे ये रहते हैं। ये मेन रोड है आप देखोगे रोड पे ऑलमोस्ट सारी टू व्हीलर्स टीवीएस की मोर देन 90% आई एम शॉक। थोड़ी बहुत बजाज की भी है देखिए बजाज की है। अरे भाई ये तो उल्टे चला रहे हैं रोड के तो ये है गिनी की कैपिटल कोनाकरी कोनाकरी सिटी। तो इब्राहिम मेरे को ड्रॉप करने जा रहे हैं गैराज में जहाँ मेरे को कार मिलेगी बॉर्डर के लिए। इस एरिया में कोनाकरी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये पूरा एयरपोर्ट एरिया है। हाँ तो भाई गैराज आ चुके हैं यहाँ से मेरे को सीरा लियोन के बॉर्डर के लिए कार मिल जाएगी इस गैराज से। तो भाई कुछ ऐसा गैराज है काफ़ी सारी शॉप्स हैं काफ़ी सारी कार हैं अलग अलग जगह के लिए डिवाइडेड एरिया यहाँ पे कौन से एरिया में कौन सी कार जाएगी। From here? Try to keep your camera. Okay, okay. Put the camera off. Yeah, put it off. Sierra Leone. Sierra Leone. Sierra Leone. Leone. Huh? Sierra Leone. 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 Although this one is Sam. And you go this. Sam. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, this order. 100. 100 Guinea. Yeah. 140. Leone. Freetown. Freetown, yeah. 2% are left. Yes. तो भाई ये कार है Freetown जाएगी। This car is seven place. No, nine. Nine place. भाई गाड़ी में 9 लोग हैं, भाई 2 लोग बचे हैं। Nine plus. पीछे सामान रखा गया है पूरा। So give money, we will buy ticket. It will go to the frontier or direct to Freetown? Direct Freetown. Oh, very good. Yes. Direct Freetown. Yes. So, oh. So give money, baby. My passport visa. I have passport, I have visa, everything. Passport, visa. Okay, no problem. I finish, buy ticket. Freetown, one Freetown. 160, try to keep your camera. They saying that you are. Try to keep it. I tell you. ये अपनी कार है जो डायरेक्ट कोनाकरी से फ्रीटाउन जा रही है बॉर्डर पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 250 किलोमीटर का इन्होंने मेरे से 1600 रुपए लिए हैं और कार को पूरा ऊपर तक लोड कर दिया यार इतना डेंजरस है यहाँ पे यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट है देख सकते हो कितना ज़्यादा रिस्की है ये। फॉर लगेज 50,000 फॉर द लगेज सो मच द बॉर्डर इज टू मच द रोप रोप फ्रंटियर हां यस एनी टाइम वी रीच यू कैन पे मनी फॉर द लगेज यू टेक माय रिस्पांसिबिलिटी ऑफ माय लगेज रिस्पांसिबिलिटी टेल वी गो रीच नाउ उसे वी का कंडोंग आई गिव यू लगेज यू गिव मी इन द फ्रीटाउन यस भाई 500 रुपए मेरा बैग का ले रहे हैं 1600 का टिकट और 500 बैग का टोटल 2100 रुपए। From Guinea or Sierra Leone? From Conakry and from Sierra Leone, both of them, yeah. Both? Yeah. Your one parent is from here, one parent is from Sierra Leone? Yeah. Okay. You're going Freetown? Yeah, I'm going back to Freetown. You live in Freetown? Both sides. Okay, put them both sides. Yeah. What is your name? Salma Saba. Salma Saba? Yeah. How much time it will take to reach Freetown?
Sometimes it depends the time you leave the place. Maybe sometimes when you leave here by 8 o'clock, you reach around 1 o'clock, 1 p.m. Around 5 to 6 hours. Yeah. We don't most of the Sham. Like it will be evening by we reach Freetown. तो गाइस हम लोग अराउंड 11 बजे कोनाकरी से निकले थे, शाम की 5 बज चुके हैं और अभी हम लोग कोनाकरी और सीरा लियोन के बॉर्डर पे भी नहीं पहुंचे हैं। अब हम लोग की गाड़ी ख़राब हो चुकी है। आई थिंक शायद हम लोग बॉर्डर से 5-10 किलोमीटर पहले हैं। लगभग 1 घंटे हो चुका है गाड़ी को ख़राब हुए। पता नहीं कब गाड़ी सही होगी, पता नहीं कब बॉर्डर क्रॉस होगा, पता नहीं कब फ्री टाउन पहुँचेंगे। हमको लग रहा है सीरा लियोन की कैपिटल फ्री टाउन पहुँचते रात के 9-10 बजने वाले हैं। आज अफ्रीका में कोई भरोसा नहीं गाड़ी का, कब कहाँ ख़राब हो जाए, अच्छी गाड़ी का कहाँ ख़राब हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तो यहाँ पे गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इनका ये बोनेट उल्टा खुलता है, बिग प्रॉब्लम, पेटिट प्रॉब्लम, पेटिट प्रॉब्लम। व्हेन वी विल गो, जब मैं गैराज था तो भाई व्लॉगिंग कर नहीं पा रहा था, कैमरा निकालने से भी यार प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ पे गाड़ी का लगेज देखो भाई, जितनी कार की हाइट है उतना ही भाई कार के ऊपर ये पूरा लगेज इन्होंने रखा हुआ है। इतना डेंजरस है यहाँ पे, और यहाँ पे नॉर्मल है, हर कार के ऊपर ऐसे ही रहता है यहाँ पे। ये देखो इसी कहीं के बीच में मेरा एक बैग भी है। वेस्ट अफ्रीका में एक बैंक है, उसका नाम है इको बैंक। ये ऑलमोस्ट सारे वेस्ट अफ्रीका में है। अभी तक मैं इको बैंक के एटीएम से करेंसी विड्रॉल कर रहा था, कहीं पर भी इको बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कटे हैं, सिर्फ गिनी में कटे हैं। ना माली में कटा, ना सेनेगल में, ना गिनी बिसाऊ में, यहाँ पे कटा है। तो मैंने यहाँ से लोकल करेंसी निकाल ली थी गिनी फ्रैंक, और मैंने गैराज में ही एक्सचेंज करा ली है। अब मेरे पास ऑलरेडी सीरा लियोन की करेंसी हो चुकी है। इनकी करेंसी का नाम भी लियोन या लियोनेस से कुछ ऐसा है। Ya sabe cómo es, y la santa canta todo el mundo.